जैसा कि आप लोगों को याद होगा कि लास्ट टाइम हम लोगों ने स्फेरिकल वेव फ्रंट के बारे में बात की थी। जैसे कि अगर हम लोग कहें कि ये हमारा सोर्स है सन, तो हमें मालूम है कि सन से हमेशा स्फेरिकल वेव फ्रंट की जो वेव हैं वो प्रोड्यूस होती हैं। अगर मैं ऐसा करूं कि मैं इन वेव्स को एक ऐसी स्क्रीन से पास कराऊं जिसके ऊपर एक स्लिट इस तरीके से हो, जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक स्क्रीन है और ये इसके दरमियान ये एक स्लिट है जिसके थ्रू ये वेव्स जो हैं वो पास करती हैं। जैसे ही ये वेव फ्रंट इस स्लिट में से पास करती हैं तो हमारे पास इस तरीके से जो है वो वेव फ्रंट बनना शुरू हो जाते हैं। अगर अब मैं ये करूं कि मैं इन बनने वाले वेव फ्रंट को एक मजीद इस तरह की स्क्रीन से पास कराऊं जिसमें एक के बजाय दो स्लिट्स लगी हों, जैसे कि ये वो हमारी स्क्रीन है जिसके अंदर हम कह रहे हैं कि हमने दो स्लिट्स लेनी है और ये वो दो स्लिट्स इस तरह से हैं कि एक स्लिट ये और साथ ही एक दूसरी स्लिट है, जब ये इसमें से पास करती हैं तो हमारे पास इस तरह से वेव फ्रंट बनता है। कुछ वेव फ्रंट यहाँ पर आ रहे होते हैं और कुछ यहाँ पर, मतलब ये आपस में इंटरफेरेंस करते हैं और जब इंटरफेरेंस करते हैं तो हमारे पास पीछे लगी हुई स्क्रीन के ऊपर डार्कनेस और ब्राइटनेस आना शुरू हो जाती है, जो हमें ये प्रूव करके बताती है कि इंटरफेरेंस हो रही है, किसी जगह पे ब्राइटनेस आ जाएगी और किसी जगह पे डार्कनेस, यानी कभी हमारे पास जो है मैक्सिमम लाइट आएगी और कभी मिनिमम या बहुत ही कम, जिसकी वजह से हम बता सकेंगे कि हमारे पास इंटरफेरेंस हो रही है। अब हम इसे बाकायदा एक एक्सपेरिमेंट के जरिए करते हैं। फर्ज कर लेते हैं कि यह हमारी आइडेंटिकल वेव फ्रंट्स हैं, इन्हें इस तरह से लिखते हैं, ये हमारी आइडेंटिकल वेव फ्रंट है। इन वेव फ्रंट को हमने पास कराया है थ्रू अ स्क्रीन जिसके अंदर एक स्लिट लगी हुई है, यानी कि ये वो स्लिट एस है, इसके थ्रू हम लोगों ने इस वे आइडेंटिकल वेव फ्रंट को पास कराया। जब ये आइडेंटिकल वेव फ्रंट इस स्लिट में से पास करती हैं तो हमारे पास इस तरह से स्फेरिकल वेव फ्रंट जो है वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। इस तरीके से लेट्स से कि ये हमारे स्फेरिकल वेव फ्रंट प्रोड्यूस हो रहे हैं जब ये आइडेंटिकल वेव फ्रंट्स इस स्लिट के जरिए पास करती है। जैसे कि आपको मालूम होगा कि जो डिफ्रैक्शन होती है, डिफ्रैक्शन में भी सिमिलरली ऐसा ही केस होता है कि जो प्लेन वेव फ्रंट होता है जब वो कोई दो हर्डल, यहाँ पे दो जो है ना हर्डल्स होती हैं, इनके दरमियान से पास करता है तो इस तरह से डिफ्रैक्शन होना शुरू हो जाती है। सिमिलरली ये केस इस तरह यहाँ पर भी है। जैसे ही आइडेंटिकल वेव फ्रंट इस स्लिट्स के जरिए इस स्लिट से पास करती हैं तो डिफ्रैक्शन शो करती हैं और इस तरह से ना स्लिट के दोनों तरफ डिफ्रैक्ट होना शुरू हो जाती हैं और स्फेरिकल वेव फ्रंट बनाना शुरू हो जाती हैं। अब क्या करते हैं कि इन ये जो वेव्स हमारे पास आई हैं स्लिट से पास होके जिन्होंने डिफ्रैक्शन शो की है, इसके आगे एक मजीद और स्लिट रख देते हैं, स्क्रीन रख लेते हैं, लेकिन उसमें ये फंक्शन करेंगे कि उसमें एक की बजाय दो स्लिट्स रखेंगे, जैसे कि ये S1, इसके बाद फिर थोड़े से वक्फे के बाद यहाँ पर एक और स्लिट S2 रख देंगे, ताकि जब वे ये वेव्स यहाँ से पास करें इस स्लिट्स के थ्रू तो दो जगह पर हमारे पास डिफ्रेक्शन आए। जैसे कि यहाँ से अगर ये वेव पास होती हैं तो कुछ वेव्स इधर से फिर उसके बाद इधर से, जैसे ही ये जब ये वेव फ्रंट स्फेरिकल वेव फ्रंट इस तरह की स्क्रीन में से पास करती हैं जिसमें दो जगह पर स्लिट्स लगी हों, तो क्या होता है कि हमें मालूम है कि जब पहली जगह पर स्लिट लगी थी तो वहां पर भी डिफ्रेक्शन शो हुआ था। इसका मतलब है कि जब ये वेव फ्रंट स्फेरिकल वेव फ्रंट S1 वाली स्लिट से पास करेंगे तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ डिफ्रेक्शन जरूर होगा, यानी कि जो वेव्स हैं वो इन हर्डल के साइड्स पे बेंड जरूर करेंगे इस तरीके से। और जैसे ही कुछ वेव फ्रंट ये सेकेंड वाले वेव स्लिट में से पास करेंगी तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ हर्डल्स होंगी इस तरीके से, यहाँ पर भी कुछ ना कुछ स्फेरिकल वेव फ्रंट प्रोड्यूस होंगे, यानी कि यहाँ पर डिफ्रेक्शन से आप इसे आसानी से समझ सकते हैं कि जिस तरह से डिफ्रेक्शन होती है, सिमिलरली यहाँ पे वेव्स के इस केस में जहाँ पर हम लोगों ने स्क्रीन के अंदर दो स्लिट्स इस्तेमाल की हैं, इस स्क्रीन के अंदर भी दो जगह पर डिफ्रेक्शन होती है, यानी कि वेव्स किसी सुराख से गुजरने के बाद उसके साइडों पर बेंड हो जाती हैं। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया कि अगर कोई बहुत ही बड़ा वेव फ्रंट हो और प्लेन वेव फ्रंट हो, अगर वो किसी ऐसी जगह से गुजरे जहाँ पर दो हर्डल्स पड़ी हों तो जो उनकी वेव है उस प्लेन वेव फ्रंट है वो उसके किनारों की तरफ मुड़ना शुरू हो जाती है, जो रुकावट या जो हर्डल्स आपने रखी हैं, और इस चीज़ को हम लोग कहते हैं कि डिफ्रैक्शन शो हो रही है, यानी कि वेव्स का बेंड हो जाना
उन हेडर्स के अक्रॉस इस चीज को आप लोग कहते हैं कि ये हमारी डिफ्रेक्शन हो रही है। तो देखा जाए तो सेम यही वाला फिनोमेना तो हमारे पास यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर बस हम लोगों ने एक हेडर्स यूज की, इस वजह से एक स्फेरिकल वेव फ्रंट प्रोड्यूस है, यानी कि एक दफा डिफ्रेक्शन हुई। इसी डिफ्रेक्शन को या स्फेरिकल वेव फ्रंट को इस्तेमाल करते हुए हम एक मजीद स्क्रीन और ले आए जिसमें हम लोगों ने टू हेडल्स इस्तेमाल कर लिया, यानी कि दो सुराख उसमें रख दिए। तो क्या हुआ कि दोनों सुराखों के आसपास हमें दो दफा डिफ्रेक्शन होती हुई नजर आई, और ये जो दो दफा डिफ्रेक्शन हुई है देखा जाए तो ये आपस में दो जगह पर इंटरफेरेंस हुई है। ये वेव्स कुछ इसकी वेव्स S1 से जो डिफ्रेक्शन हुई है और कुछ जो S2 से डिफ्रेक्शन हुई है ये आपस में इंटरफेरेंस करेंगे। जैसे कि आपको याद होगा कि चैप्टर 8 में वेव्स के केस में जब हमने इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स पढ़ी थी तब भी हम लोगों ने इसी तरह से दो सोर्सेज इस्तेमाल किए थे और दोनों से अलग अलग वेव फ्रंट प्रोड्यूस कराई थी, वेव्स प्रोड्यूस कराई थी, और हमने देखा था कि कहाँ पर डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये एक क्रस्ट है, फिर एक ट्रफ, फिर एक क्रस्ट और फिर एक ट्रफ। सिमिलरली यहाँ पर भी एक क्रस्ट, ट्रफ, एक क्रस्ट और एक ट्रफ जो कंप्लीट मिलकर एक वेव बना देते हैं। अगर मैं यहाँ पर कुछ पॉइंट्स मार्क कर लूँ, जैसे कि मैं लेट्स सपोज इसे मार्क कर लेती हूँ, इसे कह देती हूँ ये पॉइंट ए है। सिमिलरली एक पॉइंट यहाँ पर मार्क कर लेती हूँ, इसे कह देती हूँ ये बी है। तो इन दोनों पॉइंट्स पॉइंट ए पॉइंट बी पर हम लोग देखते हैं कि आया कि हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आती है या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आती है, जिस तरह से हम लोगों ने चैप्टर 8 में वेव्स के केस में किया था। अगर हम ये ए वाले पॉइंट को देखें जो कि ये है, ये ए वाला पॉइंट है हमारे पास, इसमें क्या होता है हमें मालूम है ये एक क्रस्ट है और देन हमारे पास एक ट्रफ है। इसका मतलब है कंप्लीट वेवलेंथ ए है। इसका मतलब है कि ए पॉइंट पर जो S1 सोर्स है, S1 सोर्स को इस तरह आप लिख सकते हैं S1 माइनस S2, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। और S1 की तकरीबन यहाँ पर 1 लैम्डा वेवलेंथ है, और S2 की क्या कौन सी ऐसी वेव है जो आपके S1 के साथ इंटरफेरेंस कर रही है, ये क्रस्ट है, ये ट्रफ, फिर एक क्रस्ट, फिर एक ट्रफ। इसका मतलब है 2 वेवलेंथ, यहाँ पर लैम्डा माइनस 2 लैम्डा करेंगे तो हमारे पास लैम्डा ही आ जाएगा। नेगेटिव साइन को हम लोग इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि हम S2 माइनस S1 भी कर सकते थे और S1 माइनस S2 भी कर सकते थे, जो चीज़ बड़ी हो उसे पहले लिख लेना चाहिए। यहाँ पर मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, मुझे इसे इस तरह से लिखना चाहिए था। अभी इसे थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं, नेगेटिव साइन से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर लिख लेते हैं S2 माइनस S1 विच इज 2 लैम्डा माइनस लैम्डा, तो ये लैम्डा आ गया। इसका मतलब है 1 लैम्डा। हमें मालूम है कि हम लोगों ने जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पढ़ा था तो उसमें हम लोगों ने एक कंडीशन लगाई थी कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो उसमें जो पाथ डिफरेंस होता है, पाथ डिफरेंस फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, वो उसमें वो m इंटू लैम्डा होता है, और ये जो m है ये हमेशा 0, 1, 2, 3 यानी कि होल नंबर हो सकते हैं, एक कंप्लीट नंबर हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ 1.2, 3.3 लैम्डा बाई 2, इस तरह से नहीं आ सकता। अगर पॉइंट b की बात की जाए तो पॉइंट b पे देखते हैं कि हमारे पास देखा जाए तो ये पहले क्रस्ट, ट्रफ, फिर क्रस्ट। इसका मतलब है पॉइंट बी पर जो है वो हमारे पास 1.5 लैम्डा या 3 लैम्डा बाय 2 वैल्यू आती है, क्योंकि हमारे पास एक वेवलेंथ तो कंप्लीट होगी, क्रस्ट प्लस ट्रफ, एक वेवलेंथ लैम्डा आ जाती है, और आगे अगली वेव का हमारे पास क्रस्ट आ रहा है। यानी कि इस तरीके से जब हमारे पास क्रस्ट आ रहा हो, ट्रफ आ रहा हो, फिर क्रस्ट आ रहा हो, तो हम कहते हैं कि ये एक वेवलेंथ लैम्डा है, और ये आधा हिस्सा मजीद साथ मिल जाए तो ये 3 लैम्डा बाय 2 या 1.5 लैम्डा हो जाता है। तो सिमिलरली यहाँ पर मुझे लिखना चाहिए S2 सोर्स के लिए कि 3 लैम्डा बाय 2 है, और इसे पहले देखना चाहिए कि S2 माइनस S1, और S2 सोर्स जो है वो 3 लैम्डा बाय 2 है। अब देखना ये है कि ये 3 लैम्डा बाय 2 S1 के किस पॉइंट से इंटरसेक्ट करता है, किस पॉइंट से मिलता है। ये हमारा क्रस्ट, ये ट्रफ, ये क्रस्ट और ये ट्रफ, इसका मतलब है ये वो पॉइंट है जिस पर आकर हमारे S1 और S2 इंटरफेरेंस करते हैं, इस पॉइंट पर आकर ये कनेक्ट करते हैं, इस पॉइंट पर आकर इंटरसेक्ट करते हैं। तो इसके S2 के लिए तो ये 3 लैम्डा बाय 2 है, और माइनस करना है S1 के लिए तो ये जो है वो 2 लैम्डा है, तो यहाँ पर मुझे लिखना चाहिए 2 लैम्डा। तो इसे इसमें से सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास लैम्डा बाय 2 जो है वो वेवलेंथ आ जाती है। माइनस साइन को हम लोग निग्लेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारे पास लैम्डा बाय 2 आ जाती है। और आपको मालूम होगा कि जब पाथ डिफरेंस ऑफ जो है वो
डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बारे में बात की जाए तो उसके लिए हमारे पास जो है वो हमारे पास m प्लस 1 इंटू लैम्डा बाई 2 होता है, और इस सिचुएशन में जो हमारा m होता है वो हमारे पास 0 भी हो सकता है, 1 बाई 2, 3 बाई 2 इस सिचुएशन में। तो अब यहाँ देखा जाए तो लैम्डा बाई 2 है, इसका मतलब है कि ये आधी आधी वेव आ रही है, यानी कि आधी वेव से आप समझ सकते हैं कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही होती है। और जब इस तरह का फिनोमिना हो रहा हो कि हम लोग स्लिट के ज़रिए बकायदा इंटरफेरेंस करके देखें लाइट के केस में, जो कि हम लोगों ने एक सोर्स इस्तेमाल किया जैसे कि सन, सिमिलरली यहाँ पर भी हमने कोई ना कोई सोर्स इस्तेमाल किया जिससे आइडेंटिकल वेव फ्रंट प्रोड्यूस किए और उसे देन स्लिट में से पास कराया है, और फिर देखा है कि आया कि हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आई है या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और आपको याद होगा, मुझे आपको याद भी होगा कि हम लोगों ने बात की थी कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हमेशा हमारे पास जो है वो स्क्रीन पर ब्राइटनेस प्रोड्यूस होती है, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में हमारे पास डार्कनेस प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पर जब ये इंटरफेरेंस हो जाती है आपस में, दो स्फेरिकल वेव फ्रंट जब एक स्लिट ऐसी स्क्रीन से पास करते हैं जिसमें दो जगह पर स्लिट लगी हो, तो दो जगह पर डिफ्रेक्शन होती है, और ये दो जगह पर जो डिफ्रेक्शन होती है ये आपस में इनकी वेव्स इंटरफेरेंस करती हैं, इंटरेक्ट करती हैं, जिसकी वजह से इंटरफेरेंस होती है यहाँ पर। और इंटरफेरेंस किसी पॉइंट पर कंस्ट्रक्टिव है और किसी पॉइंट पर डिस्ट्रक्टिव। जैसे कि आपको मालूम है कि पॉइंट ए पर हमारे पास इस वक्त जो है वो है इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव हुई है, और पॉइंट बी पर हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई है। इसका मतलब है यहाँ पर जो स्क्रीन इस्तेमाल की जाती है उसके ऊपर जहाँ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती हुई है वहाँ पर हमारे पास मैक्सिमम या मैक्सिमम ब्राइटनेस प्रोड्यूस होती है, और जहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है वहाँ पर हमारे पास मिनिमम ब्राइटनेस प्रोड्यूस होती है, या मोस्टली हमारे पास डार्कनेस प्रोड्यूस होती है, जिसे हम लोग एक और टर्मिनोलॉजी भी कहते हैं कि यहाँ पर हमारे पास मैक्सिमम आया और यहाँ पर हमारे पास मिनिमम आया। इसका मतलब ये होता है कि जहाँ पर मैक्सिमम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा रहा है इसका मतलब ये है कि वहाँ पर हमारे पास ब्राइटनेस प्रोड्यूस हुई है, मीन्स कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई है लाइट के अंदर। चूँकि लाइट को हम बज़ाहिर तो देख नहीं सकते, लेकिन हम लोगों को मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं और इंस्ट्रूमेंट सेट करना पड़ता है, और मुख्तलिफ स्क्रीन के ज़रिए हम लोग उन लाइट वेव्स को देख सकते हैं। जब वो स्क्रीन के ऊपर आकर वो टच करती हैं तो पता चलता है कि ये दो वेव्स, जिन दो वेव से आकर यहाँ पर कोई पॉइंट बना है, उन दो वेव्स में आया कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो इस तरह से हमारे पास लॉट ऑफ पॉइंट्स यहाँ पर आ जाते हैं जिनसे हमें पता चलता है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहाँ पर हुई है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहाँ पर हुई है। जहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है वो ज़रा ब्राइट हो जाते हैं, और जहाँ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है वो डार्क हो जाते हैं। और जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, जैसे कि पहले कंस्ट्रक्टिव आ गया फिर डिस्ट्रक्टिव है, और दो कंस्ट्रक्टिव के दरमियान और दो डिस्ट्रक्टिव के दरमियान जो फासला होता है या डिस्टेंस होता है वो भी बिल्कुल ही सेम होता है। तो इस पूरे के पूरे एक्सपेरिमेंट को एक साइंटिस्ट जिसने जिसका नाम यंग्स है उसने किया था, तो उसके नाम पर हम लोग इस एक्सपेरिमेंट को यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कहते हैं, क्योंकि उसने एक स्लिट नहीं बल्कि दो स्लिट इस्तेमाल की थी, और डिफ्रैक्शन के मेथड को ही अपना प्रिंसिपल बनाकर उसने इस काम को मज़ीद आगे किया था कि ये देखा जा सके कि अगर मैं डिफ्रैक्शन के ही मेथड को यूज़ करूँ और मैं डबल स्लिट का एक्सपेरिमेंट लगा लूँ तो क्या लाइट की जो इंटरफेरेंस है वो कंस्ट्रक्टिव आती है या डिस्ट्रक्टिव। तो जब यंग्स ने ये एक्सपेरिमेंट किया था तो उसने डिफ्रैक्शन को अपने मद्देनज़र रखते हुए, डिफ्रैक्शन के जो प्रिंसिपल था डिफ्रैक्शन के उसको मद्देनज़र रखते हुए ये एक ऐसी स्क्रीन इस्तेमाल की जिसमें दो जगह पर स्लिट्स लगी हुई, यानी कि दो जगह पर सुराख थे, तो उन दोनों सुराखों से गुजरने के बाद दोनों वेव्स आपस में इंटरफेरेंस करती हैं, और इनकी इंटरफेरेंस से कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव हो सकती है इनकी जो इंटरफेरेंस है। और कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से हमारे पास जो स्क्रीन आगे हम लोगों ने रखी थी, जैसे कि इस केस में मैंने आपको बताया, तो उस स्क्रीन के ऊपर हमारे पास ब्राइटनेस और डार्कनेस प्रोड्यूस हो जाती है, जो कि ये शो करती है कि लाइट भी एज अ वेव जो है वो मूव करती है, और इसके अंदर भी इंटरफेरेंस होती है जो कि डिस्ट्रक्टिव भी हो सकती है और कंस्ट्रक्टिव भी। तो इस पूरे के पूरे एक्सपेरिमेंट को यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, हम कहते हैं ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। होप्स आपको यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में काफी हद तक समझ आ चुका होगा, क्योंकि ये हमारे डिफ्रेक्शन को मद्देनजर रखते हुए, वेव फ्रंट के पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए ही जो यंग्स ने है इस एक्सपेरिमेंट को मजीद आगे बढ़ाया था, और ये प्रूव किया कि हमारी जो लाइट वेव्स है वो भी एज अ वेव फ्रंट या वेव की तरह ही एक्ट करती है, और उसके अंदर भी इंटरफेरेंस का फिनोमिना होता है।